ये तीन काम छोड़ दो, पत्थर दिल पार्टनर भी रो देगा, ठुकराने वाला भी अपनाने के लिए तरसेगा। ठीक है, आपको मैं रामबाण नुस्खे दूंगा, उसके पिछवाड़े पे ऐसा तीर मार देना कि वो घायल भी हो जाए, उसके खून भी ना निकले और उसकी बैंड भी बच जाए। तो आज वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, जो तुम चक्री के जैसे, जो तुम गधे के जैसे भागी जा रही हो, मरे जा रही हो हमारे बॉयफ्रेंड के लिए, वो साला तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो घटी तुम्हारा काट रही है, तो आज इनकी बैंड बजाएंगे जो तुम्हें ठुकरा रही है, तुम्हें ठुकरा रहा है। अरे बहुत लड़के लाइन पे लगे हुए, अरे बहुत लड़कियां मर रही है, तो आज इनको ऐसा डंडा मार देंगे, ऐसी कनपट्टी घुमा देंगे, ऐसा घुसण मार देंगे कि इनकी जिंदगी एकदम क्या रंगीन हो जाएगी और तुम्हारे पीछे आना जरूरी समझेंगे। इनकी रंगीन नहीं, झंड करनी है, अच्छे से बैंड बजानी है। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी तुम चीज़ों को समझ पाओगे और तभी तुम पॉइंट कर पाओगे, तभी तुम तुम्हारी जिंदगी को बचा पाओगे। ठीक है, उससे पहले अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो तुम्हें नंबर दिख रहे होंगे, तुम डायरेक्ट कॉलिंग पर बात कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज ड्रॉप कर देना। अब आएंगे मेरे पहले पॉइंट पे, ये काम तुम्हें कभी नहीं करना। अब तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारे सामने अच्छा बन रहा होगा या बन रही होगी, मेरा तो पहले कुछ था नहीं, अब मेरा कुछ है नहीं, तू शक करता रहता है, करती रहती है। ठीक है, तुम कुछ भी चीज पूछ रहे हो, कैसे तुम सामने वाले को पकड़ोगे या पकड़ोगी। ठीक है, तुम कुछ भी चीज पूछ रहे हो, वो तुम्हें ठुकरा रहा है, छोड़ रहा है, तो तुम खुद से क्वेश्चन करो, तुमने गलती क्या करी है। तुम्हें यह लगता है तुमने ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, उसको इरिटेट कर दिया, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। डॉक्टर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे को क्या बीमारी है, क्या दिक्कत आई है, हम उसको बताते हैं, क्या डॉक्टर हमें इरिटेट कर रहा है? नहीं। अगर हम पेपर देने जा रहे हैं, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम क्या इरिटेट हो रहे हैं, छोड़ के आ जाते हैं? नहीं, हमारी लाइफ का सवाल है, राइट या रॉन्ग, बोलो राइट है ना। अगर तुम ट्रेन में जा रहे हो, टीटी आ गया, उसने चेकिंग कर ली, तो उसने क्या गलती कर दी, वो तुम्हें इरिटेट कर रहा है क्या? तुम बीच में कूद जाओगे क्या, चलती ट्रेन में, बावली ट्रेन में गुलाची खाओगे क्या, कूला बांदरी खा के क्या नीचे गिरोगे क्या? नहीं, तुम उसे टिकट दिखाओगे, सफाई दोगे, टिकट तुम्हारा घूम चुका है तो तुम उसे मनाओगे, कन्वेंस वगैरह करोगे, करोगे या नहीं? डेफिनेटली करोगे। तो आज तुम्हारा जो पार्टनर है, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाह रहा है, चाह रही है, तुम मेंटली अटैच हो, फिजिकली अटैच हो, अगर तुम उसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हो तो वो गुस्सा क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा, क्यों बात नहीं कर रही, क्वेश्चन तुम खुद से करो, क्योंकि वो फॉल्ट था या थी। एक बात कहना चाहूंगा, आज मैं हूं रिलेशनशिप में, मान लो ठीक है, मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका प्रूफ दूंगा ना। पुलिस तुम्हारे घर पे आती है कि तुमने चोरी करी क्या, सबकी तलाशी ले रही है, और तुम अगर नहीं दिखा रहे घर, तो डेफिनेटली दाल में कुछ काला अगर तुम दिखा रहे हो तो पुलिस तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगी। अगर तुम्हारा पार्टनर, तुमने उससे क्वेश्चन कर लिया, वो भड़क के तुम्हारा फोन कट कर चुकी है या तुमसे बात नहीं कर रहा, तो मनाओ मत ऐसे को। हाँ, दाल काली है पूरी, ये कालनी है, ये कालिया है, डेफिनेटली ये चरकंडा है, ये चरकंडी है, क्यों वो गुस्सा क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है, क्यों दाल में कुछ काला। अगर तुम सच्ची हो, सच्ची हो, हमने तो क्वेश्चन करा है, तुम हाइपर क्यों हो रहे हो, क्यों हो रही हो, इसीलिए हो रहा था, वो हो रही थी क्योंकि उसने चीज गलत करी, या तुम्हें पसंद नहीं किसी से बात करना, उसने बात करी हो, या तुम्हें पसंद नहीं किसी के साथ जाना, वो गई हो या गया हो, ठीक है, मिलने करने, या तुम्हें पसंद नहीं किसी को फॉलो वगैरह करना, उसने किया हो या कुछ चैट करी हो, तुम्हें नहीं दे रही, नहीं दे रहा प्रूफ, तो डेफिनेटली दाल में कुछ काला है। तुम्हें नहीं मनाना चाहिए, तुम्हें एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कुत्ते हो क्या, नहीं होना तो डरना क्या, अपने आप आएगा, आएगी, ठीक है, समझ गया नहीं समझ गए, वहां तुम्हें जाना नहीं है, ठुकराने वाला तुम्हें अपनाएगा, वो आएगा, अपनी इज्जत को बिल्ड करो यार। आज मम्मी पापा हमसे पूछते हैं कहाँ गया, क्यों गया, मिलिटेड होके घर छोड़ देते हैं क्या, नहीं छोड़ते ना, तो वो तुम्हें छोड़ के क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, दाल में काला, जो आज जा रही हो कल भी जा सकते हैं, इसलिए मनाओ मत, सीधा फंडा, समझ गए, वेरी गुड, समझ गया। अब आएंगे हमारे सेकंड पॉइंट पे, देखो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अब तुम अपने रिलेशनशिप में अच्छे से चल रहे हो, ठीक है, तुम्हारा पार्टनर ये कहता है कि अब हमारा पास्ट में कुछ नहीं रहा, ठीक है, डेफिनेटली देखो किसी का होता है, किसी का नहीं होता, बट मोस्टली होते हैं, ठीक है, अब तुमने उस टाइम कर ली चीज़ें, ठीक है, बट अब क्या होता है कि तुम्हें बताने वाले उसके दोस्त आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यार तेरा पार्टनर तो ऐसा था, तेरा बॉयफ्रेंड तो पहले लड़कीबाज था, तेरी गर्लफ्रेंड तो लड़कीबाज नहीं थी, एक्स एक्ट्रा कुछ भी, लड़केबाज वगैरह कुछ भी थी, या है ना, तो अब तुम डेफिनेटली उनसे वो चीज़ें पूछते हो, देखो तुम्हारे पार्टनर ने वो चीज़ें छुपाई होगी, वो बहुत सारी लड़कियों के साथ मेंटली अटैच हुआ है, फिजिकली अटैच हो, बहुत सारे वो लड़कों के साथ फिजिकली रही होगी, या उनको लूटा होगा, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने लूटा होगा, या गर्लफ्रेंड ने उनको लूट के भाग गई होगी, तो कुछ लोग आ रहे हैं अब जिंदगी में, तुम्हें चीज़ें बता रहे हैं, प्रूफ के साथ चीज़ें दे रहे हैं, अब तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा होगा,
तुम कई लोग लड़ाई कर लेते हो, क्वेश्चन आया था, तो लड़ाई मत करो। देखो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, तुम ये देखो अब वो तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह रही है, बॉयफ्रेंड रह रहा है ना, अब वो कैसी है या कैसा है? अगर तुम्हें लग रहा है फॉल्ट है, नहीं वो हमें कहीं ना कहीं ताने मार देती है, मार देता है या हमें लूट रही है, तो तुम्हें दूर रखना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ मोस्टली टाइम बिता रहा है, लॉयल है तुम्हारे लिए, तो डेफिनेटली तुम्हें रहना चाहिए, कोई शक ही नहीं है इसमें, है ना। देखो पास्ट सबका होता है, आज मैं भी पास्ट में रहा हूँ रिलेशनशिप में काफ़ी हो के, ठीक है, मैं उनके लिए गंदा होऊंगा, कुछ भी हो, फॉल्ट हूँ मैं मान लो, ठीक है, या मेरी बंदी है वो फॉल्ट होगी, बट अब आपकी गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए सही है, भलाई वो सो जगह मुंह मार के आई है, सो जगह आया, अगर अब सही है तो आपको उन चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए, जो लोग हैं उनसे कहना चाहिए हाँ मेरे को चीज़ें पता है, और तुम्हें निगलेक्ट कर देनी चाहिए चीज़ें। समझे नहीं समझे, वेरी गुड, तुम समझ गए। बट अगर चीज़ें तुम्हें लग रही है, तुम्हें कुछ चीज़ें सामने आ रही है, तुम्हारा पार्टनर छुपा रहा है, फाइट वगैरह कर रहा है उन चीज़ों को लेके, प्रूफ वगैरह नहीं दे पा रहा, तो डेफिनेटली आज भी वो उन चीज़ों में फंसा पड़ा है या फंसी पड़ी है, तो उसको निकाल दो तुम अपनी चीज़ों से। जो देखो सो जगह मुँह मारने के बाद भी नहीं सुधर रहा है या नहीं सुधर रही, फिर क्या करोगे? तुमने मौका दिया, तुमने ट्रस्ट करा, सब चीज़ें करी, मेंटली फिजिकली फाइनेंशली तुमने सपोर्ट वगैरह सब तरीके से करके देख लिया भाइयों मेरी बहनों, तो अब मत करो, अब इनको छोड़ो, इनको मुंह ही मारने दो। देखो एक रास्ता होता है, अच्छा लड़का मिल सकता है, अच्छी लड़की मिल सकती है, पैसे वाला भी मिल सकता है, पैसे वाली भी मिल सकते हैं, बट तुम गलत तरीके से तुम उन्हें यूज ले रहे हो, फिजिकली हो रहे हो या हो रही हो, तो वहाँ किसका फॉल्ट है? तुम्हारे पार्टनर का। तो ऐसे पार्टनर को तुम छोड़ोगे ना, जो तुम्हें टाइम ही नहीं दे रहा, जो तुम्हारे से मतलब ही नहीं रख रहा, नहीं रख रही, रह के क्या करोगे? निकलोगे ना। वेरी गुड, अब आएंगे हमारे थर्ड काम पे, जिंदगी का रूल याद रखना, किसी पे ओवर ट्रस्ट मत करना। देखो मम्मी पापा के अलावा मैं ये मानता हूँ दुनिया में कोई तुम्हारा अच्छा इतना नहीं चाहेगा। एक सक्सेसफुल लाइफ है, जो तुम बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो तुम्हारा भला चाहिए, क्योंकि तुम्हें मंथली पैसे मिलेंगे उससे, और मम्मी पापा एक सॉफ्ट दिल के हैं, वो हमें हमेशा सपोर्ट वगैरह करते रहेंगे, रियल ऑफ फैक्ट यही है। इनके अलावा तुम किसी पे अंधा ट्रस्ट मत कर लेना, किसी लड़के पे लड़की पे। अब तुम उस लड़की के लिए पागल हो रहे हो, उस लड़के के लिए पागल हो रहे हो, सोचो तुमने अपने मम्मी पापा के लिए क्या करा? तुम कुछ नहीं करते, हल्का सा कर दोगे, वो कितना कुछ हो रहा है? कौन? पार्टनर? नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा कितने कुछ हो रहे हैं, तुम खुद सोचो, थोड़ा सा कुछ कर रहे हो, बट तुम अपने पार्टनर के लिए, जो पार्टनर है उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, वो खुश ही नहीं हो रहा। और कई ऐसे पार्टनर होते हैं जिनके लिए कुछ मत करो, बात कर लो, वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने हमारे पीछे पागल रहते हैं, वो एक रियल लव रहता है कि मतलब नहीं है। और जिसके लिए तुम सब चीज़ें कर रहे हो, वो उसको दिखता ही नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं है, तो ऐसे पार्टनर को छोड़ना ही जरूरी समझना। अपनी लाइफ जर्नी का नहीं छोड़ देना। देखो मॉम डैड के लिए तुमने थोड़ा करा, उन्होंने तुम्हें लाख करोड़ों अरबों नील खील गुना प्यार दिया, और तुमने किसी लड़की के लिए लड़के के लिए कुछ नहीं करा, बात कर ली, टाइम दे लिया, केयर कर ली, वो तुम्हारे लिए पागल हो रही है, पागल हो रहा है, वो प्यार होता है। बट जिसके लिए तुमने बहुत सारी चीज़ें करी, हर चीज़ें छोड़ना ज़रूरी समझा, हर चीज़ें करी, बट वो अगर वो लड़की नहीं समझ रही, लड़का नहीं समझ रहा, तो डेफिनेटली तुम्हें भी नहीं समझना चाहिए, और उसको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मज़ा आएगा, ठुकराने वाला एक दिन ज़रूर। देखो अब उसको लगता है बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, लड़की मिल जाएंगे, तो एक कॉल गर्ल को भी बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं, कॉल बॉय को भी बहुत सारी लड़कियां मिल जाती है ना, बट उनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो अपने जिस्म को बेच देते हैं 500 रुपये 100 रुपये, तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत बढ़ाने के लिए हमें एक जने के साथ रहना चाहिए, हमारी इतनी भी मजबूरी नहीं है कि हम ऐसे काम करें, ठीक है। तो जो 100 लड़के उनका वेट कर रहे हैं उनके पास जाने दो, 100 लड़कियाँ अगर उनका वेट कर रही है तुम्हारे पार्टनर का, तो उसे जाने दो, खुला छोड़ो, वो 100 यूज ले सकते हैं, निभा तुम ही सकते हो, और हर कोई नहीं निभा सकता। दिल पे लेना बात को और अपनी ज़िंदगी आबाद कर लेना, छोड़ दो उन परिंदियों को, उन परिंदों को जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं और परिंदे हमें मिल जाएंगे, और परिंदी हमें मिल जाएगी, तो जा उस परिंदी के ऊपर बैठ जा, उस परिंदे के ऊपर बैठ जा, जिस दिन वो पिछवाड़े पर लात मारेगा तो ये परिंदा भी किसी हुसन की परी के साथ निकल चुका होगा, या हुसन के परे के साथ भाग चुकी होगी, फिर रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, तड़पते रहना, और अपनी ज़िंदगी को कोसते रहना। जय हिंद जय भारत, वीडियो को शेयर करना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय श्री राम भाइयों।